गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले हे गोपाल गोविंद कन्हैया को एक रोज रोके पुकारा कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा कहा
क्या क्या। वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। यारे जब भी तुमने किसी का उद्धार किया है उसके गुणों की तरफ देखकर, उसकी विद्वत्ता या सत्कर्मों को देखकर नहीं किया, बस अपनी अहेतु की कृपा ही बरसा दी उसके ऊपर। बिना कारण के आप कृपा करने वाले हो नाथ। वो बोले ना दुनिया में आकर किया कुछ। वो बोले ना दुनिया में आकर किया कुछ। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। हमेशा ही तुम जीत की मिठाई खाते आए हो। प्रशंसा के मिष्ठान तुम्हें मिलते ही रहते हैं। लो कभी तो हार किया नमकीन भी स्वीकार करो। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा। तेरा क्या है मुझ तक। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा। मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। गोविंद यारे मेरी ज्ञानियों में वर ज्ञानियों में। देखो तुम ऐसे कौन से खुदा हो कि मैं तुमसे कुछ उम्मीद भी ना रखूं और ना उम्मीद भी ना रहूं। इसलिए मेरी ज्ञानियों में वर ज्ञानियों में गुण मानियों में चर्चा ही ना हो। मैं कोई ज्ञानी ध्यानी योगी यति नहीं बनना चाहता। कभी बिंदु अदालत में पहुंचूं, कभी बिंदु अदालत में पहुंचूं, तो सुकर्म की एक गवाही न हो। प्यारे मैं कोई पुण्यात्मा भी नहीं बनना चाहता। क्यों कर दो जो कृपा बिन कारण के। कर दो जो कृपा बिन कारण के। तो कृपा करने में कोताही ना हो। तो कृपा करने में कोताही ना हो। किसी कारण से करते हो कृपा प्यारे। किसी कारण से करते हो कृपा तो कृपा निधि ऐसी कृपा ही ना हो। तो कृपा
निधि ऐसी कृपा ही न हो। हे गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन मणि गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन निर्मणि गोपाल मुरलिया वाले, हे गोविंद जय हो, हे मोहन अब हम तुमसे रूठे, मोहन अब हम तुमसे रूठे, आप कहोगे कि भाई तेरे रूठने का कारण क्या है? प्यारे कुछ हैं जो हुस्न पे नाज करते हैं, कुछ हैं जो हुस्न पे नाज करते हैं, कुछ हैं जो दौलत पे नाज करते हैं, मगर हम गुनहगार बंदे ए कन्हैया तेरी रहमत पे नाज करते हैं, पर हम गुनहगार बंदे ए कन्हैया तेरी रहमत पे नाज करते हैं, और प्यारे तुम हमें अपनी कृपा से वंचित रख रहे हो, इसीलिए मेरे रूठने का कारण बन रहा है। मोहन अब हम तुमसे रूठे, जान गए हम तुम हो छली प्रपंची, हो कपटी तुम झूठे, जान गए हम तुम हो छली प्रपंची, हो कपटी तुम झूठे, हो कपटी तुम झूठे, क्यों पहले शरण बुलाया था, पहले शरण बुलाया था, दे दे कर लोभ अनूठे, वादा क्या करते हो? जो तू आवे एक पग मैं धाऊं पग साथ, जीव खाली संकल्प कर ले उसको सिद्ध मैं कर देता हूं। पहले शरण बुलाया था, दे दे कर लोभ अनूठे, अब की बार दर्श देने को तुमने दिखलाए अंगूठे, दिखलाए अंगूठे। प्यारे किसी भक्त का तुम रथ हाँको,
किसी के लिए नाई बनो, किसी की चक्की चलाओ, जो भी भक्त जैसा चाहे तुम उनका कार्य वैसे ही संपादित करो। और हम तुमसे बात करने के लिए तो क्या, तुम्हें एक नजर देखने के लिए तरफते रहे, ये भी कोई बात है? वो कहते हैं, और सब तो तेरी महफिल में बोसे ले जाम के, और सब तो तेरी महफिल में बोसे ले जाम के, और हम यूं ही रहे तिश्ना लब पैगाम के। प्यारे सुनते हैं देते थे सबको, सब सुख भर भर मूठे, हमने शत शत बिंदु बहाए। प्यारे हमने शत शत बिंदु बहाए, दिए न टुकड़े झूठे, दिए न टुकड़े झूठे। मोहन अब हम तुमसे रूठे, मोहन अब हम तुमसे रूठे। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। प्यारे मैं आया क्यों, देखो मैं तो सब सब्जेक्टों में फेल हूं, आपके दरबार में मैं मेरी परीक्षा देने नहीं आया, तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। तुमने अपने कैसे कैसे अधम उदाहरण पतित पावन नाम रखे हैं, क्या उन नामों में कुछ सार्थकता भी है या नहीं? प्यारे तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ है, तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ है, तो बेगुनाह भी चिल्ला उठे कि हम भी गुनहगारों में हैं, तो बेगुनाह भी चिल्ला उठे कि हम भी गुनहगारों में हैं। इसलिए पूछता हूँ आपसे, क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, या तो दीनता नहीं है, या
दीन की तुम्हें दरकार अब नहीं है। पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, क्या वो हृदय दया का भंडार अब नहीं है। जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक पा गया था, क्या उस उदारता में अब नहीं है। दौड़े थे द्वारिका से इस पर अधीर होकर उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। प्यारे देखो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती, सुन रहे हो ना, अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही हो, सुन रहे हो ना, तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तुम्हारी न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के दिग बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के दिग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दिग बिंदु, सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती
तुम्हारी अदालत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी गोपाल मुरलिया वाले उलाने देने का मकसद क्या है? तुम्हारी खोज में मैं कहीं दर बदर भटकता रहूं, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं। जो तुम सर्व व्यापक हो, इसलिए जहां मैं कामना करूं कम से कम मुझे दीदार तो दो। वो कहते हैं राहों में चलते चलते पूछा पांव के घावों ने, राहों में चलते चलते पूछा पांव के घावों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल के बसने वालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाली दिल के बसने वालों ने। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल